हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजीटीज। इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ बेस्ट बुक्स फॉर नीट 2021। सबसे पहली चीज तो मैं ये बात बता देती हूँ कि ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं जिस भी बुक के बारे में आपको बता रही हूँ वो अपने पर्सनल रिव्यू और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के रिव्यूज चेक करने के बाद मैंने इन बुक्स को आपके बेस्ट बुक की कैटेगरीज में रखा है। तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैं कोई पेड प्रमोशन कर रही हूँ इन बुक्स का। अगर आपको लगता है कि इन बुक्स के अलावा कोई और बुक्स हैं जो कि आपकी नीट 2021 प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो सकती हैं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हो सकता है कि कुछ बुक्स की नॉलेज मुझे ना हो और वो आपको पता हो और आपको बेहद अच्छी लगी हो, तो सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके तो कमेंट सेक्शन में उन बुक्स के नाम को जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टू प्रिपेयर फॉर नीट 2021। शुरू करते हैं हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट से। देखिए, हमेशा याद रखेगा नीट की प्रिपरेशन करते हुए अगर आप बायोलॉजी किसी और बुक से पढ़े ना पढ़े, आपको एनसीईआरटी से तो जरूर पढ़नी है। आपका नीट का पेपर एनसीईआरटी से ही बनकर आता है, लेकिन बच्चों की ये कंप्लेन रहती है कि एनसीईआरटी से टॉपिक्स पढ़कर हमें समझ नहीं आते, इसीलिए उन्हें रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ती है। आप किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़े, लेकिन मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी को एटलीस्ट एक बार जरूर रीड करें कि एनसीईआरटी का कोई टॉपिक, कोई सब हेडिंग, कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कोई इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, डिस्कवरी, ये सब आपसे मिस तो नहीं हो गई, ठीक है। तो एटलीस्ट वंस आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। उसके अलावा रेफरेंस बुक की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ट्रूमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर बायोलॉजी नीट प्रिपरेशन। ट्रूमैन्स बायोलॉजी बुक में आपके कॉन्सेप्ट्स इजीली क्लियर करवाए हुए हैं, इजी वोकैबुलरी यूज करी हुई है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय दिनेश, प्रदीप पब्लिकेशंस की बायोलॉजी या फिर नीट मोस्ट वांटेड बायोलॉजी भी काफी अच्छी बुक मानी जाती है आपकी नीट के प्रिपरेशन के लिए। एनटीजी ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, इस बुक को काफी बच्चे रिकमेंड करते हैं क्योंकि इस बुक में क्वेश्चंस भी काफी दिए हुए हैं, साथ ही आपके कॉन्सेप्ट्स भी काफी इजीली एक्सप्लेन करवाए हुए हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि कोई भी पर्टिकुलर बुक आपके लिए बेस्ट बुक है। हमेशा याद रखिएगा कि हर ऑथर जब बुक लिखता है, हर पब्लिशिंग कंपनी जब पब्लिश करती है किसी बुक को, तो वो हमेशा कोशिश करती है कि उनकी बुक बेस्ट रहे। तो कोई बुक आपके लिए बेस्ट है या नहीं है ये मैं आपको नहीं बता सकती। जरूरी नहीं है कि अगर मुझे ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय दिनेश या फिर नीट मोस्ट वांटेड बायोलॉजी बेस्ट बुक लग रही है, वही आपको भी बेस्ट बुक लगे। कोशिश करिए कि किसी बुक को खरीदने से पहले स्टूडेंट्स के रिव्यूज ले, या फिर यूट्यूब क्रिएटर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, इन सब के रिव्यूज के बेसिस पर, या फिर अगर आप बुक स्टोर जाते हैं तो एक बार पूरे कॉन्टेंट को फटाफट रीड करके देखें कि किस बुक की वोकैबुलरी आपको इजी लग रही है, और फिर जाकर उस बुक को खरीदें, ठीक है। तो एमटीजी ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। इसके बाद ओसवाल पब्लिकेशंस की 32 इयर्स नीट सॉल्व पेपर्स, ये बुक काफी ट्रेंड में अभी चल रही है, Amazon पर भी अवेलेबल है, इस बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। आपको टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस बुक में, तो मुझे ये बुक काफी हेल्पफुल लगी। एक बार आप भी इसके रिव्यू जरूर पढ़िएगा। अब आते हैं हम केमिस्ट्री पे। अच्छा, ये वो सारी बुक्स हैं जिनमें आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन करवाए गए हैं, एंड टॉपिक वाइज किसी किसी बुक में टॉपिक वाइज, जैसे कि ओसवाल पब्लिकेशन में और आपकी नीट मोस्ट वांटेड बायोलॉजी में, आपको टॉपिक वाइज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए हुए हैं। लेकिन अगर आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक चाहिए जिसमें आपकी थ्योरी ने एक्सप्लेन करी हो, बस एमसीक्यूज आपको दिए हुए हो, तो एमसीक्यूज के लिए टारगेट पब्लिकेशंस की 32 इयर्स पीएसपी प्रीवियस सॉल्व पेपर्स आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आप उन्हें जरूर पढ़ सकते हैं। उस बुक में सिर्फ आपको पिछले 32 सालों के नीट एग्जाम के, AIPMT एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होंगे, तो उसमें कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं दिया हुआ है, बस MCQs दिए हुए हैं। तो खुद को इवैल्यूएट करने के लिए टारगेट पब्लिकेशंस की बुक से आप MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी का सेक्शन तो ये सारी बुक्स बताता है। अब हम जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में भी एक बार एनसीईआरटी रीड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं अब रेफरेंस बुक पे। रेफरेंस बुक में सबसे पहले आती है फिजिकल केमिस्ट्री बाय ओपी टंडन, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी ओपी टंडन की बुक आती है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो ओपी टंडन पब्लिशिंग को बेस्ट माना गया है। तो ओपी टंडन से आप पढ़ सकते हैं मॉडर्न्स एबीसी ऑफ केमिस्ट्री, इससे भी आप पढ़ सकते हैं दिनेश केमिस्ट्री गाइड, नीट मोस्ट वांटेड केमिस्ट्री, ओसवाल बुक्स, ओसवाल की बुक्स आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के मिलेगी, साथ ही आपको नीट मोस्ट वांटेड बायोलॉजी भी तीनों सब्जेक्ट के मिलेगी। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एमएस चौहान, ऐसा माना जाता है कि फिजिकल केमिस्ट्री बाय ओपी टंडन एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एमएस चौहान आर वन ऑफ द बेस्ट बुक्स टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि इन बुक्स में एकदम
एकदम बेसिक से शुरू किया हुआ है, वो कैबुलरी बहुत इजी दी हुई है कि एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट भी इजिली हर एक टॉपिक को खुद से सेल्फ स्टडी करते हुए समझ सके। ठीक है, तो ये सारी बुक है आपकी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के सिर्फ एमसीक्यूज अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो टारगेट पब्लिकेशंस की 32 इयर्स प्रीवियस सॉल्ट पेपर्स आप यूज कर सकते हैं। फिजिक्स में भी एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन फिजिक्स पे एनसीईआरटी में बच्चे कहते हैं कि फिजिक्स की एनसीईआरटी तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती, तो आप चाहें तो फिजिक्स में एनसीईआरटी स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली आप रेफरेंस बुक पे आ सकते हैं। फिजिक्स में डीसी पांडे बेस्ट बुक मानी जाती है थ्योरी के लिए, एचसी वर्मा बेस्ट बुक मानी जाती है अगर आपको न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करने हैं, अगर आपको हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं तो एचसी वर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। आपको फिजिक्स में डीसी पांडे और एचसी वर्मा हमेशा सजेस्ट करेंगे बच्चे या फिर कोई भी यूट्यूब क्रिएटर या फिर कोई भी टीचर, क्योंकि ये काफी अच्छी बुक्स हैं। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपकी प्रेपरेशन नीट के एग्जाम की बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, इसके अलावा फंडामेंटल फिजिक्स बाय प्रदीप इजी वोकैबुलरी के लिए आप यूज कर सकते हैं, नीट मोस्ट वांटेड बायोलॉजी और ओसवाल पब्लिकेशंस भी आपके फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ थ्योरी एक्सप्लेन करती हैं। तो ये सारी बुक्स हैं जो कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए रेफर कर सकते हैं। इनमें से कौन सी बेस्ट बुक है वो कमेंट सेक्शन में प्लीज स्टूडेंट जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कुछ बुक किसी एक स्टूडेंट के पास हो, कुछ बुक दूसरे स्टूडेंट के पास हो, तो हर बच्चा अपने अपने रिव्यू कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकता है, ताकि जिन बच्चों के पास अभी तक इनमें से कोई भी बुक नहीं है वो ये डिसाइड कर सके कि उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कौन सी बुक्स लेनी चाहिए इन सब बुक्स में से। ठीक है, तो यही मेरे रिव्यू के बेसिस पे बेस्ट बुक्स थी फॉर नीट एग्जाम प्रिपरेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत पॉजिटिव रहते हुए, काम रहते हुए, अच्छी बुक्स को रेफर करते हुए अपनी तैयारी करिएगा। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे, तो मेक श्योर आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं उसकी वोकैबुलरी आपको समझ आ रही है, आपके सिलेबस का ज्यादा से ज्यादा कंटेंट उस बुक में अवेलेबल है, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।